नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया पावर न्यूज़ और इस वक्त की खबर हम बताने वाले हैं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर। जी हां, अनंतिम सूची जारी हो चुकी थी, लेकिन एक पीआईएल ने सारा उत्तर प्रदेश का सीट ही बदल डाला। इसी संदर्भ में हम बात करने वाले हैं जो शासनादेश जारी हुआ है। तो मित्रों, बताना चाहूँगा कि महिलाओं के संबंध में एससी और बीसी विकास खंड के अंतर्गत आने वाले समस्त ग्राम पंचायतों का वर्ष 2011 की जनसंख्या एससी जनसंख्या का अवरोही क्रम बनाया जाएगा। अवरोही क्रम में जो सर्वाधिक एससी की जनसंख्या वाली ग्राम पंचायत हैं, जो एससी महिला वर्ष 2015 में रह चुकी हैं, वह वर्ष 2020 में नहीं रहेगी। इसी क्रम में जो ग्राम पंचायतें एससी पुरुष हो चुकी हैं, वह एससी पुरुष नहीं रहेंगे। वर्ष 2015 में एससी महिला एससी पुरुष जो रह चुके हैं, उनको छोड़कर ग्राम पंचायत के अवरोही क्रम के अनुसार आरक्षण किया जाएगा। पुरुष की बात करते हैं तो पुरुष एससी और बीसी के संबंध में जहां तक बात है कि विकास खंड के अंतर्गत आने वाले समस्त ग्राम पंचायतों में वर्ष 2011 की जनसंख्या के आधार पर वर्ष 2015 में जो आरक्षित अनुसूचित जाति पिछड़ी जाति के प्रधान थे, उनको आगामी चुनाव 2020 में प्रधानों का पद आवंटित नहीं किया जाएगा। सामान्य जाति की बात करें तो वर्ष 2011 की जनसंख्या के आधार पर वर्ष 2015 हेतु एससी बीसी सामान्य महिला पद के लिए आरक्षित हो चुकी हैं, उनको छोड़ते हुए सामान्य जनसंख्या के अवरोही क्रम में सर्वप्रथम सामान्य महिलाओं को वरीयता के क्रम में आरक्षण देते हुए बची हुई समस्त ग्राम पंचायतें सामान्य पुरुष रहेंगी। जी हां, बड़ी खबर है। वर्ष 2015 में विकासखंड की जिन ग्राम पंचायतों में अनुसूचित जात पिछड़े वर्ग की महिलाएं एवं पुरुष प्रधान हैं, उन ग्राम पंचायतों में अनुसूचित जाति व पिछड़े वर्ग की महिलाएं एवं पुरुष प्रधान नहीं रहेंगे। वर्ष 2015 में विकास खंड की जिन ग्राम पंचायतों में सामान्य जाति की महिला एवं पुरुष प्रधान थे, उन ग्राम पंचायतों में महिला एवं पुरुष प्रधान सामान्य जाति के नहीं रहेंगे।